तो फाइनली होंडा कंपनी अपने प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक को भी अब हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो CVR 250 RR है, इसका पेटेंट को फाइल कर दिया है होंडा कंपनी ने, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों होंडा कंपनी ने इस CVR 250 RR का पेटेंट फाइल कर दिया है, तो इसका मतलब ये जो बाइक है दोस्तों, ये कन्फर्म हमारे इंडियन मार्केट पे आने वाली है। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को होंडा की ओर से आने वाली ऑल न्यू होंडा CVR 250 RR के बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इस बाइक को जो है कब तक हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च किया जाएगा, इसकी प्राइसिंग क्या कुछ होने वाली है, साथ ही साथ इस बाइक में जो है आप लोग को क्या कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, उसी के बारे में आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो होंडा CVR 250 RR है, इस बाइक को जो है होंडा कंपनी ऑलरेडी सेल कर रही है, जो कि दोस्तों हमारे इंडिया के बाहर यानी कि इंटरनेशनल मार्केट पे जो है इस बाइक को होंडा कंपनी सेल कर रही है। बट यहाँ पर दोस्तों फाइनली होंडा इस बाइक को जो है हमारे इंडियन मार्केट पे भी लॉन्च करेगी, जो कि दोस्तों इस बाइक का जो है एग्जैक्ट मैं आप लोग को लॉन्चिंग डेट वगैरह वो मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस बाइक के लुक्स के बारे में बात करें, तो लुक्स तो आप लोग देख रहे हैं बाइक का, जो कि दोस्तों बाइक जो है काफी ज्यादा स्पोर्टी होने वाली है, जो कि दोस्तों बाइक जो है फुल फेयरिंग सेगमेंट की बाइक होने वाली है। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि आप लोग को इस बाइक का जो लुक है वो आप लोग को कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को इस बाइक के फीचर्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इस बाइक पे दोस्तों आप लोग को होंडा कंपनी जो है एक से एक बेहतरीन फीचर्स ऑफर करने वाली है। जैसे कि दोस्तों बाइक पे आप लोग को ऑल LED लाइटिंग का सेटअप देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ बाइक पे दोस्तों आप लोग को फुल्ली डिजिटल का मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी पे जो है आप लोग को सेफ्टी वाइज डुअल डिस्प्ले के साथ जो है डुअल चैनल ABS के साथ जो आप लोग को गाड़ी पे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों फ्रंट पे जो है आप लोग को गाड़ी पे USD का सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों गोल्ड कलर का होने वाला है, जैसा कि दोस्तों आप लोग को होंडा की जो हॉर्नेट 2.0 में देखने को मिलता है, सेम वैसा ही सस्पेंशन आप लोग को इस बाइक पे भी देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों रेयर पे जो है आप लोग को बाइक पे मोनो का सस्पेंशन ही देखने को मिलेगा। और कहा जा रहा है दोस्तों कि इस बाइक पे जो है राइडिंग मोड्स भी होने वाले हैं, जो कि इस बाइक पे 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे। पहला आप लोग को कंफर्ट मोड मिलेगा, सेकंड आप लोग को स्पोर्ट्स मोड मिलेगा, एंड थर्ड जो मोड है वो आप लोग को स्पोर्ट्स प्लस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बाइक पे आप लोग को भरपूर फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर मैं आप लोग को इंजन के बारे में बताऊं, तो बाइक पे दोस्तों आप लोग को 249 cc का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। इसके पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो 42 bhp तक की पावर देखने को मिलेगी और 25 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि बाइक जो है दोस्तों वो आप लोग को 6 स्पीड गियरबॉक्स के सेटअप के साथ देखने को मिलेगी। और बाइक पे दोस्तों आप लोग को BS6 फेज 2 वाला इंजन देखने को मिलेगा, यानी कि बाइक पे दोस्तों आप लोग को OBD2 सेंसर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बाइक पे आप लोग E20 यानी कि 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग यूज कर पाएंगे। और यहीं पर बात करी जाए इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में, तो लगभग दोस्तों 3,50,000 रुपए के आसपास में इस बाइक का जो है एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है। यहीं पर दोस्तों मैं आप लोग को लॉन्चिंग के बारे में भी बताऊं, तो वैसे तो दोस्तों होंडा कंपनी की ओर से जो है कोई भी ऑफिशियल डेट वगैरह नहीं आया है, बट फिर भी हो सकता है कि इस गाड़ी को जो है हमारे इंडियन मार्केट पे इसी साल 2023 के एंड तक में लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग को जो है ये CVR 250 RR के बारे में क्या लगता है, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।